तो प्रोएक्टिव लोग क्या होते हैं, वो क्वाड्रेंट टू में लाई कर रहे होते हैं. दे नो हाउ टू पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है. उनको पता है कि उनके इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं, ठीक है, एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूट दोज थिंग्स. अब उसका क्वाड्रेंट टूल टू क्या है कि एक क्वाड्रेंट टूल का जो ऑर्गेनाइज़र होगा उसको सिक्स इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया को मीट करना होगा. फर्स्ट वी है कोहेरेंस. कोहेरेंस इज अबाउट कि आपके जो रोल्स और गोल्स हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, आप जो आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपके इंपॉर्टेंट काम ये हैं, तो वो आपके मिशन और विजन के साथ क्या होने चाहिए, मैच करने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए. सेकेंड, एक क्वाड्रेंट टू में जो लोग लाइक कर रहे होंगे वो उन उनके जो रोल्स जो गोल्स होंगे, जो प्लान्स होंगे, वो बैलेंस मेंटेन कर रहे होंगे उनके सारे रोल्स में. उनका प्रोफेशनल रोल जो होगा, उनका पर्सनल रोल जो होगा, एक बैलेंस मेंटेन हो रहा होगा. थर्ड क्वाड्रेंट टू फोकस है कि आप जो प्लानिंग कर रहे होगे वो वीकली बेसिस पे कर रहे होगे, ठीक है, कि आपने वीक अपने पूरे वीक को प्लान करना है, प्रायोरिटाइज करना है कि आपने कौन सा काम इस वीक में कैसे करना है. नेक्स्ट इज पीपल डायमेंशन. के जो क्वाड्रेंट टू का फोकस क्या है, वो पीपल डायमेंशन पे है, ठीक है. जिस तरह आप इसको इस तरह समझ लो कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, जिस तरह हमने टाइम मैट्रिक्स में पढ़ा था डीलिंग विद इंटरप्शंस के हाउ टू से नो. ये क्वाड्रेंट टू का फोकस ना पीपल डायमेंशन पे होता है कि आप लोगों को, बिकॉज इफेक्टिवनेस लाइज इन डीलिंग विद पीपल. एक तो आपको पता हो कि आपने किस तरह इंटरप्शंस को डील करना है, हाउ टू से नो. लेकिन सेकंड मैं ये भी बता दूं कि फॉर एग्जांपल आप कोई बहुत इम्पोर्टेंट आपका कोई इम्पोर्टेंट काम आपने करना है, और साथ ही आपको कोई आ जाता है और आपको कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, अगर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, तो आपने ऐसे नहीं करना कि आप फ़ौरन उसको मना कर दो. ऐसे कामों के लिए, ठीक है, आपने देखना है कि आप किस तरह उनकी हेल्प कर सकते हो. आपने उसी तरह प्रायोरिटाइज करना है, प्लान करना है कि अगर आप 2-3 मिनट, 15 10 15 मिनट अगर आप उनको गाइड कर सकते हो तो आपने उनको गाइड करना है, ठीक है. कि ऑब्वियसली अल्लाह के काम के लिए तो आपने पहले सबसे पहले टाइम को निकालना है. फिर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका जो ये प्लान होता है फ्लेक्सिबल होता है. एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन में क्या हो रहा था कि आप डेली प्लान कर रहे थे, प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे अपनी एक्टिविटीज़ को, तो आप क्या हो रहे थे, बाउंड होके रह गए थे कि बस मैंने ये काम करना है आज, ये इतने बजे उठना है, ये फिर उसके बाद ये काम करना है, वो काम करना है. मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे ना, तो मेरे जो फादर थे उनको, वो हमसे टाइम टेबल बनवाया करते थे कि सुबह स्कूल जाना है, घर आके सोना है, फिर ये आपके पढ़ने का टाइम है, ये आपके खेलने का टाइम है. और मुझे जहाँ तक याद है, मैंने हम लोगों में से मेरी बहन फॉलो करती थी, उसके अलावा मैं और मेरे भाई तो कभी भी फॉलो नहीं करते थे. फिर जब पापा आके देखते थे कि टाइम टेबल में ये टाइम है और आप लोग क्या कर रहे हो, तो फिर हम एक दूसरे की शक्लें देख कर गुम होने का सोचते थे. तो वो जो डेली प्लानिंग होती है ना, उसमें आप बाउंड होके रह जाते हो. जब आप वीकली प्लान कर रहे होते हो, वो एक फ्लेक्सिबल एक आपकी प्लानिंग होती है. फिर पोर्टेबल होता है कि आप उसको कहीं भी कैरी आउट कर सकें, और फिर आप उसको अपनी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट के साथ हमेशा मैच कर सको, देख सको, रिव्यू कर सको. फिर है बिकमिंग अ क्वाड्रेंट टू सेल्फ मैनेजर. आप कैसे बन सकते हो, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, राइट डाउन योर की रोल्स. अब देखो आपका कमिंग वीक आ रहा है, तो आप उसमें आइडेंटिफाई करो कि आपके जो की रोल्स कौन कौन से हैं. अगर हम अपनी बात करें तो हमारे एग्ज़ाम्स सर पर हैं, तो अगर तो एक हमारा रोल हो गया, स्टूडेंट का रोल हो जाएगा. सेकंड, जो एक्टिव हुआ होगा कमिंग वीक में. सेकंड, कुछ लोगों ने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी हुई है, तो वो उनका इंटर्नी का रोल भी होगा. फिर आपका इंडिविजुअल रोल है. फिर आपके फैमिली रोल्स भी हो सकते हैं आप, ठीक है, डॉटर सिस्टर वट एवर योर रोल्स आर. लेकिन आप देखो कि वो जो कमिंग वीक है उसमें आपके कौन से जो रोल्स हैं वो प्रोमिनेंट हैं. अगर हम अपनी बात करें तो अगर स्टूडेंट और इंटर्नी का रोल हम पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा, हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो होगा वो यहाँ पे ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो आपने फिर उस हिसाब से ही आप क्या करोगे, सिलेक्टिंग गोल्स, आप अपने गोल्स को सेट करोगे कमिंग वीक के लिए. फिर
फिर आप उसको स्केड्यूल करोगे कि आप किस तरह आपने मैनेज करना है। अगर आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है तो आपने इंटर्नशिप पे भी जाना है, फिर आपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी टाइम निकालना है, ठीक है। फिर आप उस हिसाब से अपने वीक को प्लान करोगे। नेक्स्ट इज़ डेली अडेप्टिंग। जब आप डेली जब वीक को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, वीकली बेसिस पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं हम क्वाड्रेंट टू में जो जब लाए कर रहे होते हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली आप डेली अडेप्ट कर रहे होते हो, बजाय इसके कि आप डेली प्लान करो फिर आप सोचो कि हाँ अब आज के लिए ये काम करना है। तो वो जो उस प्लान को ले इम्प्लीमेंट करना है ना, वो करना होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो एक चीज़ वीकली प्लान हुई हुई हो, आपको पता होता है कि आपने इस वीक में इस दिन ये काम करना है और द नेक्स्ट डे आपने क्या काम करना है। नेक्स्ट इज़ लिविंग इट। सेम इज़ द हैबिट वन सेज यू आर द प्रोग्रामर, हैबिट टू सेज राइट द प्रोग्राम एंड हैबिट थ्री सेज रन द प्रोग्राम। अब इसमें क्या कर रहे होते हो कि आपने जो सारी चीज़ें प्लान की होती हैं आप उन पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हो। आप एक प्रैक्टिकल स्टेप होता है टूवर्ड्स बिकमिंग प्रिंसिपल सेंटर, एज द हैबिट थ्री इज़ द फिजिकल क्रिएशन। नेक्स्ट वी हैव डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है कि हम जो कुछ भी अकम्प्लिश करते हैं ना, वो डेलीगेशन से अकम्प्लिश करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो तरह की डेलीगेशन है, गोफर डेलीगेशन, स्टीवर्डशिप डेलीगेशन। देखो एक काम आपको आता है, ठीक है, आप प्रोड्यूसर हो तो आपको एक काम आता है, आप एक्सपर्ट हो, इफ़ यू आर आर्किटेक्ट आप एक ब्लूप्रिंट बनाओगे, आपने इनपुट इन्वेस्ट किया, आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर क्या करता है कि वो सबकी एफर्ट्स को मिला के आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब वो दो स्टाइल्स हैं, एक गोफर डेलीगेशन है। एक स्टाइल क्या होगा कि आप अगले बंदे, जिस तरह अगर हम फॉर एग्जांपल आपने कोई रेसिपी कुक करनी है, तो एक तो होगा कि आप उसको गाइड करो कि हाँ आपने ये आप ये इस तरह पहले ये ऑयल गरम करो, फिर उसके बाद इतना नमक डालना है, इतना सब इतनी मिर्च डालनी है, फिर उसके बाद आपने इसको बॉईल करना है, वॉट एवर द रेसिपी इज़। आप उसके सर पे खड़े होकर आप उसको कह रहे हो कि गो फॉर दिस गो फॉर दैट, सो दिस इज गोफर डेलीगेशन। और स्टीवर्डशिप डेलीगेशन क्या होगी? अब गोफर डेलीगेशन से आप रिजल्ट्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आपका फोकस हो रहा है, रिजल्ट्स तो जैसा आप चाह रहे हो आपको मिल जाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, वो बंदा की लर्निंग इतनी नहीं होगी, ठीक है, और ट्रस्ट लेवल नहीं होगा। वो आप सर पर खड़े हो तो वो तब ही काम करेगा, जब आप सर पर नहीं होगे तो वो फिर काम भी नहीं करेगा। और स्टीवर्डशिप डेलीगेशन क्या है कि आप अगले बंदे को एक ट्रस्ट दो, फ्रीडम दो कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, आप उसको गाइड करोगे, लेकिन वो आपके ट्रस्ट की वजह से खुद काम करेगा। मतलब आप उसको बता दोगे कि मुझे ये रिजल्ट चाहिए, आप उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दोगे कि आप इस तरह का काम कर सकते हो, ठीक है, फिर आपको रिसोर्सेज दोगे। इस तरह अगर हमने उसके कोई रेसिपी बनानी है तो हम बताएंगे कि हमने केक बेक करना है अगर, तो आप कहोगे कि मुझे ये चॉकलेट केक ऐसा चाहिए, ठीक है, आप उसको गाइडलाइंस दे दोगे कि आपने इस बात का ख्याल रखना है, ज़्यादा हीटअप नहीं कर देना, फिर सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करोगे जो भी उस केक को बनाने के लिए चाहिए, ठीक है, फिर अकाउंटेबिलिटी आप एक सेट करोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आप सारी चीज़ें उस बंदे को बता दोगे, फिर वो जैसे मर्जी काम करे, जैसे मर्जी वो उस स्टाइल से यूज़ करके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करे, इट्स दैट अप टू यू, ठीक है। इसमें आप गोफर डेलीगेशन क्या थी, गोफर दिस गोफर दिस, यहाँ पे आप एक ट्रस्ट इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो कि बस आप बता रहे हो कि आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो और वो आपको रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें लर्निंग भी ज़्यादा होती है। इफेक्टिव डेलीगेशन, अब ये कि बेस्ट इंडिकेटर होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट का, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारी सारी हैबिट्स हैं ना, वो क्वाड्रेंट टू में लाए कर रही होती हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट टू में लाए कर रही होती हैं क्योंकि ये जो सेवन हैबिट्स हैं ना, ये एक हमारे इम्पोर्टेंट टास्क हैं। तो अगर अगर हम इन सारी इम्पोर्टेंट कामों को इम्प्लीमेंट करें तो एक पॉजिटिव डिफरेंस आएगा हमारी ज़िंदगी में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।